हाय फ्रेंड्स, देखिए ये हमारे क्ले पॉट का स्टॉक है। आप लोग देख सकते हैं क्ले पॉट का स्टॉक कितना ख़त्म हो गया है। यहाँ पे कुछ है और पूरा नीचे बहुत सारे यहाँ पे बॉक्स रखे हैं, सब में क्ले पॉट का स्टॉक है। आप लोग देख लीजिए, नीचे पूरा इस तरह से हमारे यहाँ पे रखा होता है। इसके नीचे है, देखिए यहाँ पे है कोलकाता क्ले पॉट मिनी गुलाब, उसके नीचे है कच्चे मिट्टी का पॉट, यहाँ पे है कच्चे मिट्टी का पॉट, देखिए तो सब उठाना पॉसिबल नहीं हो रहा है। यहाँ पे टाइनीस्ट ग्लास है, इसके नीचे देखिए बिग साइज गुल्लक है। तो सभी का बॉक्स आप देख रहे हैं धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि हमारा ऑफर चल रहा है कल तक, 23 तक हमारा ऑफर है। मैं थोड़ा दिखाने के लिए, सबको लगता है कि ये सभी हम हाफ बेक में ला रहे हैं, सभी हाफ बेक में नहीं हैं, कुछ हम स्मोकी में भी ला रहे हैं, लेकिन हाफ बेक स्मोकी। जैसे कोलकाता क्ले पॉट मैं दिखाती हूँ, देखिए ये है कोलकाता क्ले पॉट, लाइट की वजह से शायद आपको दिखाई अच्छे से नहीं दे रहा होगा। ये हाफ बेक्ड है एवं ज़्यादा स्मोकी है, ये हाफ बेक्ड है और ज़्यादा स्मोकी है। इस तरह का स्टॉक भी यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे हाफ बेक्ड में लिटिल स्मोकी जो है वो है, ये वो एक साइड से स्मोकी है और एक साइड से देखिए हाफ बेक्ड है, और हाफ बेक्ड में ज़्यादा स्मोकी जैसे इस तरह से है। बहुत सारे हमारा जो स्टॉक आता है ना, बहुत सारे एक साथ में बनता है, तो सभी तरह के स्टॉक लगभग आपको मिल जाएगा। जैसे देखिए ये है हाफ बेक, लेकिन ये ज़्यादा स्मोकी है, मैं सबको आपको अच्छे से दिखाऊंगी। और ये है थिक कोलकाता क्ले पॉट, थिक में भी आपको थिक ज़्यादा अर्दी होता है। देखिए ये हाफ बेक स्लाइटली साइड से स्मोकी है और ज़्यादा स्मोकी इसमें नहीं है, ज़्यादा स्मोकी थिन वाले स्टॉक में है। और थिक वाले में आप लोग देखिए इस तरह के स्टॉक है जिसमें वन साइड स्मोकी होगा, दो चार पीस आपको ज़्यादा स्मोकी भी लग सकता है, जैसे इस तरह से है, सब मिक्स में आता है। और यहाँ पे ज़्यादा स्मोकी में अभी हाफ बेक में हमारे पास ये टेबल पॉट है जो लगभग ख़त्म होने को लग गया है। टेबल पॉट स्मोकी में बहुत अच्छे हैं। ये सॉसर है, सॉसर एकदम ख़त्म हो चुका है, आप लोग देख रहे हैं कुछ पीसेस और भी नीचे बॉक्स में है। और ये है टाइनी ग्लास जिसमें आपको हाफ बेक मिलेगा। देखिए ये है लंबे गले वाले पॉट जो टूट चुका है ऊपर का हिस्सा, लंबे गले वाले पॉट भी आपको हाफ बेक लिटिल स्मोकी में मिल जाएगा। लिटिल स्मोकी नहीं, ये बहुत अर्दी स्टॉक है, मैं दिखाऊंगी आपको सभी। और ये देखिए ये सॉसर जो हमारे पास अभी था, देखिए इसका साउंड देखिए, ये बहुत अच्छे स्टॉक था, मतलब ये ज़्यादा चला गया, अभी दो चार पीस और बाकी है। ये बहुत अच्छा स्टॉक है। और ये देखिए कोलकाता क्ले पॉट का ज़्यादा स्मोकी वाला हाफ बेक का स्टॉक। और मैं आपको स्लेट पेंसिल सॉसर का भी स्टॉक दिखाती हूँ। देखिए स्लेट पेंसिल का जो सॉसर होता है ना, वो नीचे के बॉक्स में रखा था तो मैंने उठा लिया है उसको। ये देखिए स्लेट पेंसिल सॉसर अभी यही बना हुआ है, यही स्टॉक है, ज़्यादा नहीं है। ये भी ऑफर के चलते बहुत सारे निकल चुका है। और ये बहुत ज़्यादा अर्दी होता है क्योंकि हम इसको थोड़ा भट्टी में डाले हैं। और ये स्लेट पेंसिल आप देख रहे हैं बीच बीच में, ये मिट्टी के साथ मिलने के बाद बहुत ज़्यादा अर्दी हो जाता है। और सबसे अर्दी सॉफ्ट स्लेट पेंसिल से ही ये क्ले पॉट बनाना पॉसिबल होता है। तो मैं चलिए आपको दिखाती हूँ। देखिए ये जो सॉसर है, मैं इसको ज्यादा पानी में नहीं डालूंगी, ये देखिए ये हाफ बेक है। इस तरह का क्ले पॉट हम और भी बना रहे हैं किसको, क्योंकि इसका बहुत डिमांड है, जो हाफ बेक्ड है लेकिन फिर भी पानी में डालने से बिगड़ता है। इसका स्टॉक हमारे पास है अभी कुछ, लेकिन फिर भी हमने बनाने के लिए ऑलरेडी शुरू कर दिया। देखिए ये पेबल पॉट, ये भी हाफ बेक्ड है, लेकिन फिर भी देखिए इसका मिट्टी कैसे खुलता है। इस तरह के क्ले पॉट का बहुत डिमांड रहता है। ये है पेबल पॉट जो हाफ बेक्ड लेकिन स्मोकी में है। और ये है स्लेट पेंसिल का सॉसर,
ये हाफ बेक नहीं है, ये कच्चे मिट्टी स्मोकी है। और देखिए इसका मिट्टी आप लोग देख रहे हैं, हमारे यहाँ पे बहुत गाड़ी, इसका साउंड बहुत होता है। अभी ऑफिस टाइम है, सुबह का बहुत साउंड आ रहा है, तो इसके लिए सॉरी, मेरी बातें शायद इसके लिए कम सुनाई दे रहा है आपको। देखिए ये है, ये स्लेट पेंसिल का सॉसर है, फोन आ गया था। ये बहुत अर्दी होता है, एकदम बहुत अच्छा स्टॉक होता है इसका, इसका कोई मुकाबला नहीं। मैं सबको बोलती हूँ कि इसका स्मेल कोई भी क्ले पॉट से ज़्यादा अच्छा स्मेल होता है इसमें। मैं लाइट के सामने आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। और ये देखिए कोलकाता क्ले पॉट का स्मोकी वाला स्टॉक। एक मिनट में फ्लैश ऑन कर लेती हूँ, उसके बाद बात करते हैं। देखिए ये जो कोलकाता क्ले पॉट है, इसको हम थोड़ा पानी में भिगोएंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि इसका टेक्सचर कैसा है। देखिए ये हाफ बेक्ड में है, मेरे हाथ देखिए पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया है। ये हाफ बेक्ड में है लेकिन ज़्यादा स्मोकी, लेकिन आपको दिखने में शायद ज़्यादा काला नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत अच्छा स्टॉक है। देखिए इसको हमने पानी में डाला है, आपके सामने वीडियो हम पॉज नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। देखिए ये डाल दिया ना, अभी देखिए इसका जो है ना, यहाँ से मैं हाथ से ठीक से पकड़ नहीं पा रही, देखिए देख रहे हैं इसका मिट्टी छूटना शुरू हो गया है, लेकिन इसमें से एक साथ में बहुत सारा मिट्टी एक साथ में नहीं छूट रहा है। मतलब ये कच्चे मिट्टी जैसा नहीं है, कच्चे मिट्टी का पॉट क्या होता है, बहुत जल्द इसका मिट्टी छूटना शुरू हो जाता है। मैं रख नहीं पा रही हूँ क्ले पॉट को, जो पानी अगर गिर जाएगा तो। देखिए इसका ऊपर का हिस्सा कलर देखिए, ये क्ले पॉट हमारा जो आदमी बनाता है वो सबसे एक्सपीरियंस्ड आदमी है, उसको मालूम है भट्टी में कैसे डाला जाता है, किसको कैसे। सिर्फ मुझे उसको बताना पड़ता है कि मुझे इस तरह का टेक्सचर का चाहिए, टेस्ट ऐसा होना चाहिए, उसको सब मालूम है इसको किस काम के लिए यूज़ होता है। तो वो आदमी बहुत अच्छे से बना देता है। ये है कोलकाता क्ले पॉट का रिसेंट स्टॉक स्मोकी में, हाफ बेक स्मोकी। ये मैं कच्चे मिट्टी का नहीं बोलूँगी क्योंकि आप लोग देख रहे हैं, मैं यहाँ से उठा के इसको डाल रही हूँ। ये हाफ बेक दिखने में ऐसा लग रहा है, और देखिए ये जो टूट रहा है, आपको साउंड सुनाई दे रहा है कुछ की, देखिए इससे सॉफ्ट स्मोकी स्टॉक आपको कहाँ मिलेगा। और हाफ बेक देखिए, एकदम कच्चे मिट्टी जैसा दिखने में नहीं रख रहा है। तो ये पॉट आप ले सकते हैं जिनको कच्चे मिट्टी जैसा स्मोकी चाहिए, लेकिन हम लोग हाफ बेक बनाते हैं, ठीक है। इसका मिट्टी का पानी का रंग देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये पूरा है। इस तरह के पेबल पॉट ये सब ऐसा है, लेकिन ये पॉट हाफ बेक है लेकिन लिटिल स्मोकी। ये पानी में डालने से तुरंत नहीं बिगलेगा, ये धीरे धीरे बिगलेगा। मैं वो भी दिखा देती हूँ दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए मैंने इसको पानी में डाला है ना, अभी देखिए इसको ज़्यादा देर तो पानी में रखा नहीं है, लेकिन ये देखिए इसको मसलने से ऊपर से कलर निकलेगा, लेकिन इसका कलर देखिए। हमारा क्ले पॉट इतना सॉफ्ट होता है, लेकिन वो हाफ बेक्ड से बनाते हैं, हमारा बेकिंग करने का प्रोसेस अलग होता है। शायद ये है, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी कैसे हम बेकिंग करते हैं, भट्टी में ही करते हैं। लेकिन आप देखिए हमारा हाफ बेक्ड पॉट भी, जो मैंने यहाँ से उठाया, मैं और एक उठाती हूँ, देखिए हमारा हाफ बेक्ड पॉट भी मिट्टी छोड़ने लगता है, इतना सॉफ्ट होता है। लेकिन हाफ बेक्ड वाला पॉट जो मिट्टी छोड़ने लगता है वो गम्मी नहीं होता है, क्योंकि उसको बेक्ड किया गया है। देखिए देख रहे हैं ये धीरे धीरे मिट्टी छोड़ेगा, लेकिन ये गम्मी नहीं होगा, क्योंकि हमारा हाफ बेक नॉन स्मोकी है। देखिए तो फ्रेंड्स आप लोग देख के ऑर्डर कीजिए, और हमारा ऑफर कल तक है। टाइनी टाइनीस्ट का ऑफर भी इसमें है जो 500 में है, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स अक्सर से पढ़ लीजिए। और हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, बहुतों ने ऐसा कहा है कि फ्लिपकार्ट पे सेल कीजिए, तो मैं उनको बता देती हूँ फ्लिपकार्ट पे सेल करना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको एक वेबसाइट फॉर्म करना पड़ता है, उसके लिए खर्चा आता है 40,000। उसके बाद वेबसाइट से वो लोग सेल करेंगे और हमारे यहाँ से प्रोडक्ट लेके जाएंगे, उसके बाद अपना दाम लगाएंगे।
कैश ऑन डिलीवरी में ही देंगे आप लोगों को, लेकिन 20 का चीज़ 40 में देंगे, जैसे अमेजोन पे इस तरह पे देता है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो जो वेबसाइट क्रिएट करना पड़ता है उसके लिए बहुत खर्चा हो जाता है, और हमारा GST वगैरह सब कुछ डिटेल उनको देना पड़ता है, तो इसलिए हम फ्लिपकार्ट पे सेल नहीं कर पा रहे। तो कैश ऑन डिलीवरी नहीं मिलेगा। अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट में कुछ प्रॉब्लम है तो आप बैंक डिटेल्स हमारे बैंक अकाउंट में भी आप पैसा डाल सकते हैं। ओके, बाय फ्रेंड्स।